क्या हुआ वो कार वाले को? लेक्सस यहाँ पे चल रही है हमारे आगे, देखो ये वाली जो है टिकट बोली पहनती नचूगा लाहौर सारा। 23BH इसके बारे में है किसी को पता? ये नंबर किसी को किसको मिलता है? जय शंकर सभी को, कैसे हैं आप लोग? गाइस मैं हूं इंदर और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज के दिन की शुरुआत जो होगी है वो काफ़ी अच्छे मौसम के साथ होगी है, और सुबह सुबह ही हम लोगों ने गाड़ी जो है गाड़ी को स्नान हम लोगों ने करवा दिया। फिलहाल मैं अपनी साइड से व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपनी शक्ल फिलहाल अच्छी नहीं है, खुद मैं फिलहाल ना आया नहीं हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। आज गाड़ी को हमने चमका दिया क्योंकि यार दो दिनों से गाड़ी की बुरी हालत हो गई थी, उस चक्कर में जो है आज हमने सुबह ही गाड़ी को चमका दिया। यहाँ पे लाके यहाँ पे हमने गाड़ी को चमका दिया, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे पड़ा अपना सामान, और ये आगे से भाई गाड़ी चमक गई अच्छे से, जो है वो गाड़ी नहा के तैयार होगी। कल जो था ना यार पीछे को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कल जो था गाड़ी के बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे, अब अंदर से नहला धुला के इसको अच्छे कर रहे हैं हम। अब जो है वो पीछे वाले ये जो बत्ते जो है ये पूरे ब्लैक पड़ गए थे, पीछे का ये जो डाला जो होता है ये पूरा ब्लैक पड़ गया था, और अंदर से अब हमने गाड़ी को अच्छे से चमका दिया। फिलहाल अभी का ये है कि अभी चंडीगढ़ से थोड़े पीछे हैं हम लोग, और अभी चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ में अपने ट्रांसपोर्ट में जाके वहाँ जाके नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद आपसे अपने फेस से बात करेंगे, ठीक है? तब तक जो बात होगी वो बैक कैमरा ही बात होगी, नाराज नहीं होना तब तक, ठीक है? ये बन गई हमारी आज की चाय, चॉकलेट मॉर्निंग की चाय बन गई हमारी। यार पियेंगे हम तो पियेंगे, आप भी पियो, उठाओ उठाओ, हाँ ले जाओ लो चको। हम तो पियेंगे ही पियेंगे भाई, मार को किसने मना किया है? चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, सुबह के 11 बजे चाय, ठीक है ले लो ले लो, ठीक है ना? इतनी ज्यादा नहीं होगी, हम इतनी पीते हैं। ओ कोई बात नहीं, पियो आप, हम इतनी पीते हैं। धन्यवाद, दो बार जा बजे दर्शन ठीक है। मीठा तो तेज होना ही है हमारे, होता है ना दूध चीनी तेज कने पानी रा फ्रेज। जय हो भोले बाबा। तो जी भोले बाबा का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल गए हैं यहाँ से अब चंडीगढ़ की तरफ को। गाड़ी को हमने साफ सुथरा कर लिया है, बट अभी तक जो है वो थोड़े कपड़े धोने को है, खुद नहाने को है, और अभी चंडीगढ़ में जाके अपनी भी सफाई कर लेते हैं, गाड़ी की तो सफाई कर ली है, अब अपनी सफाई करते हैं, और फिर उसके बाद आज का काम ख़त्म होगा क्योंकि सुबह से गाड़ी तो हमने चमका दी है। यहाँ पर ना गाइस चंडीगढ़ ऐसी सिटी है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बोल रहा था जिस टाइम हम लोग श्रीनगर की तरफ जा रहे थे तब भी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि देखो चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इंपोर्टेड कार भी चलती है, देखो लेक्सस यहाँ पे चल रही है हमारे आगे, देखो ये वाली जो है ये हमारे इंडिया में इंपोर्टेड है लेक्सस, क्योंकि लेक्सस जो है हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती फिलहाल कंपनी। ये होनी भाई बाहर तो होनी है, 40 लाख है ना, इम्पोर्ट करी कने पूछ गई उन्हें 7-17 हमारे इंडिया में इसकी एक कॉपी आके चलेगी, इसको डॉलो ने लेक्सस की कॉपी की है, सेम टू सेम कार देखी मैंने। यार हमारे इंडिया वाले ना खुद मेहनत करने से ज़्यादा कॉपी करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, यार क्यों करते हैं? और कई दूसरी बात ये है ना, जो कॉपी किया होता है माल वही ज़्यादा चलता है। अब देखो कुछ एक कारें ऐसी है जो सेम टू सेम, जैसे अब रेंज रोवर की कॉपी अब ब्रेजा है, सभी को पता है, ऑल नो वेरी वेल अबाउट दैट ना, फिर उसके बाद भी मतलब 15,000 से 20,000 एवरी मंथ बिकती है ब्रेजा। तो अब बाकी कारें भी जैसे अब क्या बोलते हैं वो ऑडी की कॉपी, इन्होंने ये डिजायर जो है वो ऑडी की कॉपी है, दिखता है ना पूरा, तो वो भी भाई 10,000 से 15,000 वो भी बिकती है। मतलब हमारे इंडिया में देखा जाए तो कॉपी
की चीजें जो है वो ज्यादा चलती है और ओरिजिनल कम चलती है। ओरिजिनल वही लोग खरीदते हैं जिनको पता है कि नहीं यार ये चीज है, और कॉपी जो है वो लोग खरीदते हैं जिनको शो ऑफ करना है, कम पैसों में शो ऑफ जिनको करना है वो कॉपी खरीद लेते हैं, और जो बोलते हैं कि हाँ खानदानी रईस होते हैं वो वही चीज लेते हैं जिनको पता है कि नहीं ये असली। बाकी यार ये किसी पे शॉट नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि मैं किसी को इनडायरेक्ट शॉट दे रहा हूँ, ये बस ऐसे ही कभी कभी मजाक मजाक में निकल जाता है, क्योंकि ऐसे ही बात करते करते ही मजे आते हैं ना, तभी सफर भी जल्दी खत्म होता है। जब आप लोगों से बात होती रहती है तो सफर का भी पता लगता है, अगर ऐसे चुपचाप चले रहेंगे और यहाँ से निकले फिर वहां पे पहुंच गए फिर वो मजा नहीं है ना यार। पहले वाली देखो ब्रेजा, बिटारा ब्रेजा थी, ये अपनी थी इनकी जैसे ना, ये इतनी कॉपिंग थी बट इतनी ज्यादा कॉपिंग थी। अब जो ब्रेजा आई है वो तो भाई रेंज रोवर की पूरी पूरी जैसे मतलब बोलते हैं ना कि फोटो स्टेट कॉपी कर दी है, थोड़े बहुत चेंज करके। अब जैसे क्रेटा है, क्रेटा देखो अपनी इसकी अपनी पहचान अलग है, इसने बना रखी है ना यार अपनी पहचान। अब मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, ये देखो ये की, ये ऑडी की पूरी कॉपी है, ऑडी की 50 लाख की गाड़ी ऐसी है, और मारुति वालों ने 10 लाख में सेम टू सेम कार वही कंफर्ट के साथ दे दी। देखो आज गाड़ियों की बात हो रही है तो देखो आगे से हुंडई टुसॉन जो है वो यार देखने में जो है क्रेटा से, क्योंकि महंगी भी है ना 4-5 लाख रुपए महंगी है, तो मतलब देखने में भी अच्छी यार गाड़ी, ऐसा नहीं है, क्रेटा से तो दी बेटर है ये गाड़ी है। क्रेटा के देखो यहाँ पे क्रेटा जा रही है 20 लाख की क्रेटा है, और इससे अच्छा तो मतलब लुकिंग वाइज तो टुसॉन ठीक है। तब टुसॉन का ये हुआ है कि लोगों ने ज्यादा इसको थोड़ा ओवर प्राइज्ड हो गई थी, उसके बाद लोगों ने इसको ज्यादा प्यार नहीं दिया ना, जैसे जितना प्यार क्रेटा को मिला उतना प्यार अगर टुसॉन को मिला होता तो शायद आज टुसॉन भी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार होती, जैसे अपने स्कॉर्पियो 20-25 लाख में बिक रही है। जैसे ही चंडीगढ़ में हम एंट्री करने वाले होते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। क्या हुआ वो कार वाले को, चंडीगढ़ 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 बोली पैंदी नचूगा लाहौर सारा, चंडीगढ़ बोली पैंदी नचूगा लाहौर सारा, ऐसे ऐसे गाने हम लोग बचपन में सुनते थे। और फिर हमारे ठाकुरदास सराठी जी के एक गाना था कि हवा लगी चंडीगढ़ आ रही हो, लगी लगी चंडीगढ़ ओ मारी जाना कारा वाले, हवा लगी चंडीगढ़ आ रही हो, लगी लगी चंडीगढ़ आ रही हो। किस किस ने सुना है ये सॉन्ग, और ठाकुरदास राठी को भी टैग करना ये वाला कि हाँ चंडीगढ़ में आपका ये वाला सॉन्ग, जब भी चंडीगढ़ आते हैं तो ये वाला सॉन्ग याद आ जाता है कि हवा लगी चंडीगढ़ आ रही हो। वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, फाइनली और फाइनली हम लोग चंडीगढ़ में हम लोगों ने एंटर कर लिया है, और चंडीगढ़ पहुंचते ही देखो ग्रीन सिटी की जो है वो है बात यार। दूर जाने आगे जाके खत्म हो जाएगा भाई है। पे देखो गाइस आपको 23BH इसके बारे में है किसी को पता, ये नंबर किसी को किसको मिलता है, अगर है किसी को पता तो पहले कमेंट कर लो उसके बाद मैं बताता हूँ। ये जो नंबर है ना भारत नंबर जो है BH वाला नंबर जो है वो या तो फिर गवर्नमेंट जॉब में हाई लेवल की पोस्ट पे होगा उसको मिलता है, आर्मी वालों को मिलता है जो कमांडर होते हैं और सूबेदार से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनको मिलता है, और थर्ड उनको मिलता है
जिनके पास 3 से ज्यादा इंडस्ट्री है, मतलब एक बिजनेसमैन जिसके पास 3 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, उसको ये नंबर लेने का अधिकार होता है। इतना मेरे को पता था, इतना मैंने बता दिया। बाकी इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। पैसा दिया है तभी एसी में बैठे हैं। फाइनली जी हम लोग भी अपने ट्रांसपोर्ट एरिया में पहुंचने वाले हैं और लास्ट बत्ती में पहुंच गए। रेड लाइट पे जो हम लोग पहुंच गए हैं, और ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। साइड को अपना 43 वगैरह, और इस साइड को हम लोग चलो जी पूज गए हूँ। असी भी फाइनली पूज गए। नहीं रुकते यार, नहीं रुकते, नहीं चकते तेनो। गाड़ी अंदर करते समय पर्ची कटवाएं। लो जी हमारी जगह पे तो किसी और ने लगा दी है गाड़ी। पिछली बार हमारी यहाँ पे लगी थी गाड़ी, देखो। पहले घूम लेते हैं अपनी गाड़ी हो ना यार, उनके साथ लगाने का मजा भी आता है। फिर ऐसे साथ सस्ता है। चाचा लगाओ, फिर चाचे के साथ लगाओ। चाचे के नाल लगाओ। तीसरा बेटा भी हो सकता क्यों? लगा दो जी, लगा दो। चाचा ही है? नहीं नहीं, चाचा नहीं है, चाचा नहीं है, चाचा नहीं है। गैस 2 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, और उसके बाद कपड़े धोने में इतना टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए। उसके बाद नहाया धोया, और आज का तो भाई लंच भी नहीं कर पाया हूँ मैं। अभी चाय वाला आया था तो चाय के साथ बंद ले लिया मैंने, एक ये बंद ले लिया, और ये ले ली चाय, और साथ में एप्पल पड़े थे पीछे तो एप्पल खा लिए थी। मैंने सोचा यार 5 बज गए देखो, और 5 बजे लंच करना कोई सेंस नहीं बनता है। और मैंने सोचा क्योंकि थोड़ी देर बाद तो अब डिनर करना ही है, जैसे 7-8 बजे जो डिनर करना ही है, तो उस चक्कर में एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट ले ली कि हाँ थोड़े एप्पल खा लिए, थोड़े चाय के साथ एक बंद खा लेता हूँ, थोड़ा सा पेट भर जाएगा, और तब तक एडिट कर लेता हूँ, और वीडियो अपलोड करने के बाद जो फिर डिनर कर लूँ। तो गाइस दिन हो गया आज का यहाँ पे ख़त्म। पूरा दिन जो है आज काम किया, मॉर्निंग में अपनी गाड़ी वॉश की, फिर उसके बाद कपड़े वॉश किए, फिर उसके बाद खुद वॉश हुए, मतलब उसके बाद नहाए, और अब जो है वो डिनर करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो जो है वो यहाँ पे एंड कर देते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी आज। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ कमेंट करके बताना है कि भाई हाँ आप लोगों को इंडिया टूर कैसा लग रहा है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे नाम लिख के आ रहा होगा यूनिक इंद, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और अभी के लिए वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। घर पे रहो, खुश रहो, हमारी वीडियो देखते रहो, और अभी के लिए बाय बाय गाइज़।